और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में लगातार गर्मी का पारा बढ़ता हुआ। प्रदेश में लगातार बढ़ता दिन का तापमान, लू और धूप की तपिश से लोग हुए परेशान। लगातार प्रदेश में जो गर्मी का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। चूरू में दिन का तापमान 50 डिग्री पर पहुंच गया और 10 साल में दूसरा सर्वाधिक तापमान आज दर्ज किया गया। चूरू में 50 डिग्री ये तापमान हो गया। 19 मई 2016 में 50.2 डिग्री ये दर्ज तापमान यहां से हुआ। राजधानी जयपुर में भी आज 45 डिग्री, अजमेर में 44 डिग्री आज का तापमान दिन का रहा। कोटा में 46.5 डिग्री, डबोक में 43 डिग्री और बाड़मेर में भी 45.7 डिग्री, जैसलमेर में 46.4 डिग्री, जोधपुर में 44 और बीकानेर में भी काफी ज्यादा तापमान। श्रीगंगानगर में 47 डिग्री तापमान आज दर्ज किया गया और प्रदेश में लगातार दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है। लू और धूप की तपिश से लोग परेशान हो गए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता ऋषभ पांडे जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। ऋषभ, काफी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आज चूरू में सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ, क्या कुछ अपडेट है पूरी? बिल्कुल, देख तो मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, जिससे लू है, लू लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग इसको लेकर शुरू से ही जो अपडेट था वो देता जा रहा था, जिसमें 25 तारीख के जो रेड अलर्ट था वो दिया गया था, जिसके बाद आज शुरू में 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि 25 से 28 मई के बाद के लिए मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश की चेतावनी जरूर जारी कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, इसके चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यदि बात जयपुर की करी जाए, राजधानी जयपुर ही करी जाए, तो आज राजधानी जयपुर में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो पिछले दो दिनों में कहीं ना कहीं 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा हुआ था। इसके बाद यदि चूरू की बात करी जाए, चूरू में बीते 10 सालों में ये दूसरा सर्वाधिक तापमान रहा है। इसके पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये जो तापमान है वो 50 डिग्री को छुआ है। जी जयतीन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ।